हेलो एवरीवन मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक्सलो तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश फ्लुएंसी के बारे में जिसे इंग्लिश सी भी कहते हैं तो प्रीवियस वीडियो में हम इंग्लिश ए एंड इंग्लिश बी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें अगर आपके पास इंग्लिश ए या बी हो दें अगर आपके पास इंग्लिश सी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है क्योंकि हम आज की वीडियो में इंग्लिश सी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह का आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा किस टाइप के क्वेश्चन होंगे कितने क्वेश्चन होंगे कितने मार्क्स के होंगे तो सभी इंफॉर्मेशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे तो इंग्लिश जो है एन सी वेब वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कंपलसरी है एंड हमें देख सकते हैं ऑल आंसर ऑल क्वेश्चन सभी क्वेश्चन के हमें आंसर करने हैं ऐसा नहीं है कि हम कोई क्वेश्चन छोड़ दें सो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है रीडिंग कंपैरिजन है हमें एक पैराग्राफ दिया गया है इसको हमें अच्छे से रीड करना है एंड नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर करने होंगे तो क्वेश्चन हम टू पार्ट में डिवाइड है पार्ट वन एंड पार्ट टू पार्ट ए भी फाइव पार्ट्स में डिवाइड है ए बी सी डी एंड ई एंड इसी तरह से क्वेश्चन सेकेंड पार्ट सेकेंड जो है वो भी फाइव पार्ट्स में डिवाइड है तो आप देख सकते हैं पार्ट वन जो है शॉर्ट आंसर आपको करने होंगे जो कि टू मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा एंड इसी तरह से सेकेंड जो पार्ट है उसमें फाइन वर्ड्स इन पैसेज दैट मीन द सेम एज फॉलोइंग ये हमें कुछ वर्ड मीनिंग्स दी गई हैं तो इनका सेम मीनिंग वाले जो वर्ड हैं इस पैसेज में उनको हमें फाइंड करना होगा ना हमारा क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट होता है क्वेश्चन सेकंड जो है वो भी पैराग्राफ पर बेस्ड ही है तो इसी पैराग्राफ में से हमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आंसर हमें करने होंगे तो so, इनको आप जब अच्छे से रीड करेंगे पैराग्राफ को तो इन आंसर्स को देने के लिए आप एबल हो जाएंगे तो उसके बाद हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है राइट आ रिव्यू ऑफ आ हॉरर फिल्म दैट यू रिसेंटली वॉच आपने कोई भी हॉरर मूवी देखी है अभी हाल ही में तो उसका आपको रिव्यू देना है एंड हमें ऑप्शनल में एक और क्वेश्चन दिया गया है राइट आ रिव्यू ऑफ आ बुक दैट यू रिसेंटली इन्जॉयड रीडिंग आपने रिसेंटली में जो भी बुक पढ़ी है उसका रिव्यू आपको देना होगा तो आप किसी मूवी का दे सकते हैं हॉरर मूवी का या फिर बुक का जो भी आपको अच्छा लगे उसका आंसर आप कर सकते हैं क्वेश्चन फोर्थ है हमारा यू विटनेस्ड आ केस ऑफ रोड रेज वाइल कमिंग होम फ्रॉम कॉलेज राइट एन एफ आई आर शेयरिंग ऑल द रिलीवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट तो हमें बताया गया है कि हम अपने घर से हम अपने घर से कॉलिज जा रहे थे रास्ते में हमने एक रोड एक्सीडेंट देखा तो आप उस रोड एक्सीडेंट के विटनेस हैं आपको एक एफआईआर फाइल करानी है एंड इंसिडेंट की सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी तो यह आपको लिखना है एफआईआर लिखनी है आपको उसमें जो भी इंसिडेंट हुआ वो सब आपको लिखना होगा एंड ऑप्शनल में हमें सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है यू आर डिससेटिस्फाइड विद द मार्क्स यू स्कोर इन प्रीवियस सेमेस्टर राइट एंड आर टी आई आस्किंग फॉर द मार्किंग क्राइटेरिया दैट वॉज यूज फॉर वेलुएटिंग योर आंसर स्क्रिप्ट आपका जो प्रीवियस सेमेस्टर है उसके जो स्कोर आए हैं उसके जो मार्क्स हैं आप उससे सेटिस्फाई नहीं है एंड आपको आर लिखनी है कि आपने किस टाइप का आंसर लिखे थे और आपके नंबर कम आए हैं तो इसके लिए आपको एक आर टी आई लिखनी है या एफ आई आर तो जो भी आपको ठीक लगे आप वो आंसर कर सकते हैं फाइव क्वेश्चन हमें दिया गया है यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ़ द स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ योर कॉलेज राइट आ फेसबुक पोस्ट इनवाइटिंग द एलुमिनी एसोसिएशन ऑफ़ योर कॉलेज टू अटेंड द एनुअल डे सेलिब्रेशन फेसबुक पर आपको एक इनवाइटिंग पोस्ट लिखनी है एलोमिनी एसोसिएशन को कि आपके आपके कॉलेज में एनुअल डे फंक्शन है तो उनको इनवाइट करना है आप प्रेसिडेंट हैं स्टूडेंट यूनियन के एंड ऑप्शनल में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट आर ट्विट शेयरिंग योर रिसेंट अचीवमेंट विद योर फॉलोअर्स ऑन ट्विटर ट्विटर पर आपने अपने फॉलोअर्स अचीव किए हैं तो आपको शेयरिंग करनी है ट्वीट करना है क्वेश्चन है हमारा राइट डायरी एंट्री अबाउट योर फर्स्ट डे एट आ न्यू जॉब आपने न्यू जॉब गेट की है एंड आपको डायरी एंट्री करनी होगी जो कि टेन मार्क्स का है और फिनल में हमारा क्वेश्चन है राइट आ ब्लॉग अबाउट आ वेकेशन यू रेसेंटली टुक विद योर फैमिली आप अपनी फैमिली के साथ कहीं विजिट पर गए हैं कहीं घूमने गए हैं तो उस वेकेशन का आपको व्लॉग शूट किया होगा या ब्लॉग आपको लिखना है व्लॉग स्क्रिप्ट आपको यहाँ लिखनी होगी क्वेश्चन सेवन्थ है हमारा रोहित कॉल्स अप रवि टू मेक अ प्लान फॉर द कमिंग वीकेंड राइट द डायलॉग बिटवीन देम एट लीस्ट टेन टर्न तो रोहित एंड रवि रवि के बीच में वीक कैंड के लास्ट में कॉल अप हुई है तो उसको आपको डायलॉग डायलॉग की तरह लिखना होगा कम से कम टेन टाइम टेन टर्म्स एंड इसी में ऑप्शनल क्वेश्चन है हमारा यू आर द एडिटर ऑफ योर कॉलेज मैगजीन आप अपने कॉलेज में मैगजीन के एडिटर हैं इंटरव्यू द इंडियन इकोनॉमिस्ट हु नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स राइट एट लीस्ट टेन टर्म्स तो आपको इंटरव्यू लिखना है इकोनॉमिक्स का जिसने नोबल प्राइज जीता है एंड एर्थ क्वेश्चन है हमारा रीराइट द गि पेसेज आफ्टर एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग इट फॉर पंचुएशन स्पेलिंग एंड तो ये हमें दिया गया है पैराग्राफ द ट्रेन वाज अप्रोचिंग ही गुड तो इस पैराग्राफ को आपको बहुत अच्छे से रीड करना होगा एंड इसमें आपको मिस्टेक्स फाइंड करनी होंगी पैराग्राफ बहुत छोटा है तो इसमें कम से कम इसमें दस मिस्टेक दी गई हैं तभी तो दस फाइंड करनी है अदरवाइज मिस्टेक नहीं होती तो आप फाइंड ही कहाँ से करते तो ये आपको मिस्टेक्स यहाँ फाइंड करनी होंगी तो यही है हमारा क्वेश्चन पेपर आई होप आपको समझ में आ गया होगा सो so अगर अपनी फ्रेंड्स के हेल्प के लिए शेयर ज़रूर करें तो so, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक्सलो